ठीक है, तो बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या हमारे रॉक वर्सेस कोडी का मैच एट क्राउन जूल में हो सकता है? गोल्ड वर्क का मैच कब होगा गुंथर के साथ? और क्या सैमी ज़ेन मैच जीत सकते हैं इंटरफेरेंस फॉर गोल्ड वर्क एट मंडे नाइट रॉ? तो ये सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर सको। तो फर्स्ट अपडेट जुड़ेगा वो जुड़ी है हमारे बैड ब्लड से। तो बैड ब्लड के पेपर व्यू में गाइस मिल चुकी है रेटिंग्स। तो गाइस रेटिंग बहुत अच्छी मिली है, एंड सबसे ज़्यादा रेटिंग अच्छी मिली है हमारे सीएम पंक के मैच को, जिस मैच को बहुत परफेक्ट रेटिंग मिली है। एंड परफेक्ट लिया जाए, जितना परफेक्ट मैच था आप उतना ही इसे मतलब सोच सकते हो कितना अमेजिंग मैच था। नेक्स्ट गाइस डब्ल्यू ने रेटिंग दी एंड ऑडियंस ने रेटिंग दी, और गाइस ये सबसे ज़्यादा बेस्ट मैच था यार। उस मैच के लिए ड्रू मैकइंटायर को टांग के तक लगा दिए गए, बिकॉज द रीज़न उनको इतना ब्लड निकला था क्योंकि जो मारा था टूल किट उसके कारण उनको सच में स्टिचेस लगे हैं। एंड अप्रिशिएट करना चाहिए यार, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मैच एवर। डब्ल्यू ने इस मैच को इतना परफेक्टली बनाया ना कि आप सोच नहीं सकते, इमेजिन नहीं कर सकते। इस ग्रेटेस्ट मैच ऑफ ऑल टाइम। एंड गाइज इस मैच के बाद मान जा रहा है ड्रू मैन थोड़ी देर के लिए ड्रू मैकइंटायर टाइम ऑफ ले सकते हैं डब्ल्यू से, एंड वो टाइम ऑफ ले के थोड़ी देर के लिए मतलब सीएम पंक भी ले सकते हैं, एंड उसके बाद वो रिटर्न करेंगे। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी वो जुड़ी है रॉक से। तो रॉक आने के बाद रॉक ने गाइस बहुत सी चीज़ें कही। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने कहा कि यार क्या बकलोली चल रही थी ये, मतलब क्या मतलब चल रहा था, अब मैं आ चुका हूँ तो मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा और मैं ही हूँ असली बंदा जो सब कुछ फिक्स करेगा। जो भी ब्लड लाइन में चल रही थी जिस उन सबको मैं फिक्स करके मैं हूँ जो वो टाइटल भी लेगा। एंड गाइस रॉक ने जो चीज़ कही उन्हें जैसे तेवर दिखाए उससे साफ लग रहा है कि रॉक राइट नाउ वन ऑफ द बेस्ट एवर फाइनल बॉस रिटर्न। एंड वो जाएंगे कोडी के पीछे, एंड कोडी के टाइटल के पीछे कितने लोग जाने वाले हैं आप इमेजिन कर लो। पहले रोमन रेंज, केविन ओवंस, सोलो सिकोवा, अब रॉक, तो भाई सब उनके पीछे जाने वाले हैं। एंड रॉक ने तो पहले ही कह दिया था मैं जब भी आऊँगा तुझे पीटूंगा, पहले तेरे से अपना काम पूरा करूँगा और टाइटल ले के जाऊँगा तुझसे। तो क्या कोडी वर्सेस रॉक हो सकता है क्राउन जूल में? वो सब ऐसा सो रहे हैं क्राउन जूल में ये चीज़ हो सकती है, बट बाय द वे मुझे लगता है कि रोमन रेंज का पहले होगा। एंड गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रेंज वर्सेस रॉक के साथ भी जा सकती है, एंड कोडी वर्सेस रॉक के साथ भी जा सकती है, दोनों बैंगर मैच हो सकते हैं। एंड ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा मतलब वो हो गई है कि अब पता नहीं चल रहा कि कौन सा मैच हो सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब रेसलमेनिया 41 के लिए कौन कौन से मैच फिक्स हो सकते हैं तो ये नहीं पता चल रहा गाइज। ये परफेक्टली सिचुएशन डब्ल्यू बना रही है। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी गाइज वो जुड़ी है हमारे जिमी उसो से। जिमी उसो की वीडियो निकल गई जिसमें वो नीचे से निकल रहे हैं, एंड वहाँ से दिखाया जा रहा है कैसे वो नीचे से निकल के आए एंड देन वो सीरियसली खड़े हो गए। आप ये चेक कर सकते हो या वीडियो नहीं चला सकता बिकॉज आपको पता है इशू होते हैं। तो गाइज वो चीज़ है कि वो कैसे निकले नीचे से और सीरियसली खड़े हो गए, मतलब उसका जो रिटर्न दिखाया ना कि नीचे से निकलते हैं, मतलब आपको पता ही होगा यार नीचे होते हैं रिंग के नीचे बैठे और वहाँ से निकलते हैं और फिर सीक्रेटली रिटर्न हो जाता है। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी वो जुड़ी गोल्ड वर्क एंड रॉक से। तो गोल्ड वर्क ने बीट कर दिया रॉक को गाइस, गोल्ड वर्क बीटेड रॉक इन यूट्यूब नंबर्स बिकॉज ऑफ यूएसए नेटवर्क जो होता है ना वहाँ पर होता है, इंडिया में बैन होता है। एंड गाइस गोल्ड वर्क ने नंबर्स में बीट कर दिया है रॉक को, क्योंकि एक घंटे बाद पोस्ट की तो ये चीज़ होती रहती है। एंड गोल्ड वर्क का क्या मैच हो सकता है? तो बाय द वे यार माना जा रहा है गोल्ड वर्क का मैच हो सकता है बट अभी नहीं। बाय द वे डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान कर रही है रॉयल रंबल के लिए। डे मैटर का कहना है डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान फॉर रॉयल रंबल गोल्ड वर्क वर्सेज हमारे गुंथर, एंड ये प्लान हो रहा है, ये कन्फर्म नहीं है कि इनका मैच अभी होगा। एंड सैमी ज़ेन क्या मैच जीत सकते हैं इंटरफेरेंस फॉर गोल्ड वर्क? क्या गोल्ड वर्क इंटरफेरेंस कर सकते हैं मंडे नाइट रॉ में सैमी ज़ेन मैच जीत जाए? तो ये भी चीज़ हो सकती है, गोल्ड वर्क इंटरफेयर करें एंड सैमी ज़ेन मैच को जीत लें, ये चीज़ हो सकती है, मतलब कि हाँ ये चीज़ कर सकती है डब्ल्यू। तो गाइस मैं नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है वो जुड़ी है हमारे कोडी रोड्स एंड रॉक से लेकर। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता है इनका मैच तो कन्फर्म मान के चलो बट अभी नहीं होगा। डब्ल्यू पहले एक स्टोरी लाइन बिल्ड करेगी, स्मैकडाउन पे आएंगे रॉक। एंड गाइस रॉक की जो वीडियो डाली स्टेयर डाउन वाली की, हाँ रॉक रोमन को भी देख रहे हैं कोडी को भी देख रहे हैं, एंड उन्होंने जो
वो किया 1 2 3 की हाँ मैं ये करने वाला हूँ। एंड उसके बाद उनके एक वीडियो पैकेज भी आई, सब कुछ हुआ। एंड ये मान के चलो कि बहुत बड़े धमाके होने वाले हैं। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी गई वो जुड़ी आपको पता है, डब्ल्यू ने ट्रिपल एस से सॉरी रिपोर्टर्स ने ट्रिपल एस से पूछा था कि तो आपको ब्लैक रेसलर्स से क्या मैटर है। तो गाइस उस पर ट्रिपल एस ने ये चीज़ कही थी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसका रंग कैसा है, किसका रूप कैसा है, किसी का रिलीजन कैसा है, किसी का कास्ट कैसी है, मुझे सिर्फ टैलेंट से फ़र्क पड़ता है, जिसमें टैलेंट होता है मैं उसे आगे लाता हूँ। एंड इसके वजह से उनके पीछे पड़ गए हैं ब्लैक रेसलर। तो गाइस ये चीज़ हो रही है। बाय द वे यार डब्ल्यूई में ऐसी चीज़ होती है, डब्ल्यूई में जो बेस्ट वो बिजनेस डब्ल्यूई वो करती है, बिकॉज डब्ल्यूई को जिसमें अपना पोटेंशियल दिख रहा है डब्ल्यूई से रख लेगी और उसका मतलब यूज़ करेगी, क्योंकि यार उन्हें पैसे पे करते हैं तो उनका यूज़ तो करना ही है रेसलर्स का। तो ये चीज़ होती है। सो गाइस मैं नेक्स्ट अपडेट जुड़ी वो जुड़ी है हमारे ट्रिपल एस से। ट्रिपल एस ने ये चीज़ कही कि रॉक अपनी मर्जी का मालिक है, वो जो चाहेगा वो करेगा, बिकॉज ऑफ रॉक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी से। एंड वो रिटर्न किया है तो उन्होंने कुछ ना कुछ करना है, और ये चीज़ ट्रिपल एस ने कह दी है। राइट नाउ रॉक आए हैं तो भाई वो जो स्टोरी लाइन क्रिएटिव करेंगे ना वो नेक्स्ट ईयर वाली वैसी क्रिएटिव स्टोरी लाइन लाने वाले हैं। एंड ये मान के चलो कि रॉक जो है परफेक्टली स्टोरी लाइन बिल्ड करने में बिलीव करते हैं। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी गई वो जुड़ी है हमारे डॉम डॉम से। तो डर्टी डॉमनी ने ये कहा कि मैं सीएम पंक से पंगे लेना चाहता हूँ, सीएम पंक से मैच लेना चाहता हूँ। एंड बैड ब्लड के बाद ये मतलब हुआ था सेगमेंट जिसमें उन्होंने ये चीज़ कही एंड क्वेश्चन का जवाब दिया। तो दिस इज़ अ अपडेट। तो गाइस अपडेट अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। थैंक यू सो मच।